अहम दिन है क्योंकि आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो इस तनाजुर में हमारी कायद और पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा आपसे बात करना चाहती थी। तो कोशिश हम ये करेंगे कि आज का जो मुद्दा है हम उसी के आसपास बात करेंगे। पहले महबूबा जी बात करेंगे, उसके बाद इनके उस इशू से रिलेटेड आपके कुछ सवाल हो तो देन वी टेक देम ऑन। चलिए शुरू करें, बिस्मिल्लाह। जैसा कि अभी सुहेल साहब ने भी आपको बताया कि आज 370 की सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और हमारी पार्टी भी उसमें इंटरवीनर की तरह से मुदाखलत कर रही है केस में। और आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि जो मुल्क में इस वक्त हालात हो रहे हैं, जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक पूरे मुल्क को नफरत की आग से जलाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे में आखिरी उम्मीद बची हुई है। और जहां तक 370 का सवाल है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग या मुल्क के लोग बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने 1947 में दो कौमी नजरिया यानी मजहब की बुनियादों पे तकसीम होने से इनकार किया और एक जमहूरी सेक्युलर हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, ये सोच के कि हमारी एक खसूसियत है, वी हैव अ यूनिक आइडेंटिटी। और जब पूरे उस वक्त के मुल्क की लीडरशिप ने हमें ये यकीन दिलाया कि हमारी जो खसूसियत है, हमारी जो यूनिक आइडेंटिटी है वो हिंदुस्तान के अंदर महफूज रहेगी और हिंदुस्तान के आईन के अंदर हमें गारंटीज मिली, और हमने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया। आज पूरी दुनिया की नजरें इस पे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस मुल्क का, जहां पर इंसाफ के फैसले होते हैं, और आज पूरे मुल्क में अगर आप देखिएगा कि जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके मुताबिक हिंदुस्तान चलता था, मगर पिछले कई सालों से खासकर 2018 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख के एक पार्टी के एजेंडे के मुताबिक ये मुल्क चलाया जा रहा है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये खाली 370 को गैर आईनी तरीके से हटाने की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि जिस मुल्क में तमाम इंस्टीट्यूशंस खत्म किए गए हो, सपोर्ट किए गए हो, वहां अब एक इंस्टीट्यूशन बचा है जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकते हैं, क्योंकि 370 भी कोई चाइना या किसी हमारे हमसाया मुल्क के आईन के मुताबिक नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक है। एक फेडरल एक्ट, द मोस्ट यूनिक एंड ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर, जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता मुल्क के साथ अंडर 370 जो था वो था। पर अगर आज सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि अगर उनको ये मुल्क हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक चलना चाहिए या किसी पार्टी के एजेंडे के मुताबिक चलना चाहिए। तो इसमें मैं समझती हूँ कि ये आज का दिन जो है, अभी तो बहुत दिन केस चलेगा, इसमें हमें उम्मीद है, क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की वो मसलहत, वो फैसला, वो कुर्बानियां याद नहीं रखी कि जिसकी वजह से जो देके जम्मू कश्मीर एक आजाद हिंदुस्तान, जमहूरी हिंदुस्तान, एक सेक्युलर हिंदुस्तान का हिस्सा बना, और सिर्फ एक पार्टी के एजेंडे की तस्कीन के लिए इसमें आगे जो है चले, मुझे लगता है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आपने देखा जो बीजेपी की जमात है वो न सिर्फ
अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से इस मुल्क के आईन की धज्जियां उड़ाती है पार्लियामेंट के अंदर, जो 2019 5 अगस्त को हुआ, जिस वक्त जम्मू कश्मीर के आईन को तहस नहस किया गया, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है, हम सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये नजर में रखे कि इस मुल्क को आईन के मुताबिक चलाना है या बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक चलाना है। अगर आईन के मुताबिक चलाना है तो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन इस मुल्क के आईन का हिस्सा थी, और न सिर्फ बीजेपी इस मुल्क के आईन को उसकी धज्जियां उड़ा रही है, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं, आप देखिए दिल्ली के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला 370 को लेके, चाहे संपत प्रकाश हो, चाहे विजय लक्ष्मी झा हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि 370 बेशक उसके लफ्ज़ात लफ्ज टेम्परी है, मगर उसको तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो इसलिए मेरी सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त है कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खतरनाक हो रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे हमारे इंस्टीट्यूशन डिफंक्ट हो गए हैं। अब आपका एक इंस्टीट्यूशन बचता है जो इस मुल्क के आईन को बचा सकता है। हमें मालूम है कि हालात खतरनाक है, इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए भी, जो हम देख रहे हैं, जो मुल्क के हालात देख रहे हैं, जिस तरह से गोलियां दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क को बचाना चाहता है तो इस मुल्क के आईन को बचाना होगा। अगर इस मुल्क को आईन के बचाएंगे आप, तो इस मुल्क के लोगों के हकूक, उनकी जिंदगियों को आप बचाएंगे। आज सवाल ये नहीं है कि 370 के ऊपर आप क्या फैसला लेते हैं, आज सवाल ये है कि आप इस मुल्क को बचाने के लिए आगे आने के लिए तैयार है, रिस्क उठाने के जो रिस्क, आर यू रेडी टू टेक रिस्क, जैसा इंदिरा जी के टाइम में इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा जी के खिलाफ फैसला देके एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के आईन को बचाने के लिए, उस आईन को बचाने के लिए जिसने जम्मू कश्मीर को 370 दिया था, 35A दिया था, आगे आने के लिए तैयार है, या खुदा ना खास्ता जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है मणिपुर से लेके हरियाणा तक, कहीं उसमें उसका हिस्सा न बन जाए। देर आर ओनली टू साइड्स, यू हैव टू चूज, इधर यू आर विद इंडिया विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, विद द फेडरल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, विद द राइट्स गारंटीड टू द पीपल ऑफ इंडिया, गारंटीड टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यू आर अगेंस्ट इंडिया। When I say India, I'm not talking about the opposition alliance. I'm talking about the country India. So that's my point. So मेरी यही गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से कि इस मुल्क को बचाइए, इसके आईन को बचाइए, और जम्मू कश्मीर को भी बचाइए। जो मणिपुर के हालात हैं वो धीरे धीरे पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेके जा रहे हैं, इस मुल्क को बचाइए। थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट्स ऑल, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए।